गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। सो एक्सरसाइज नंबर 10.1 ऑफ योर स्ट्रेट लाइन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7 तक हम कर चुके हैं इन द प्रीवियस टू पार्ट्स, राइट? यहां तक डन? ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 इन पार्ट 3। सो दिस इज पार्ट 3 ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 10.1 पार्ट 3। सो स्टूडेंट्स Who wish to see the previous questions videos can watch the yesterday's videos and day before yesterday's videos for part 2 and part 1 respectively. Okay, so let's see question number 8. तो स्लोप इंट्रोड्यूस हो चुका है ना, वी हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस स्लोप, प्लस स्लोप के क्वेश्चंस आ चुके हैं ना, और स्लोप ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस एक्सरसाइज का, बाकी तो सब रिवीजन था। तो अब बाकी के नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं करीब करीब सब स्लोप पे, यस, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्लोप का इन्वॉल्वमेंट। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर कोलिनियर। सो कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट सीखा था बेटा, याद है कुछ क्या सीखा था उसमें अपन ने? कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट हमने ये सीखा था कि अगर तीन पॉइंट कोलिनियर है, या मतलब उनको प्रूव करना है या कुछ भी है, कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट ही आ जाए, तो जब तक स्लोप नहीं था तब तक क्या करते थे, इन तीन पॉइंट्स के से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया जीरो कर देते थे लास्ट ईयर तक, है ना, क्लास 10th तक क्या करते थे, और करने में तो इस साल भी कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा, गलत तो वो भी नहीं होगा, बट वो कॉन्सेप्ट लेंदी भी है और नया कॉन्सेप्ट है, तो क्यों ना उसको यूज, नई चीज कब सीखेंगे, है ना। इट्स नॉट जस्ट कि ना भाई हम पिछले साल के कॉन्सेप्ट से करके निकल जाएंगे, मार्क्स तो मिल जाएंगे, वो बात ठीक है, लेकिन नया कॉन्सेप्ट कब सीखेंगे अप्लाई करना, है ना। तो हमने स्लोप सीखा है तो स्लोप से ये हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर मेरे पास दो लाइंस पैरेलल हैं, लाइक ए बी एंड सी डी, राइट, तो ये दो लाइन पैरेलल हैं तो इनका स्लोप इक्वल होगा। इनका स्लोप क्या होगा? इक्वल, क्योंकि पैरेलल लाइंस का स्लोप क्या होता है? इक्वल, हमने पूरा डिटेल में किया है ना? तो मान लो इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2, कब? अगर अगर ए बी पैरेलल है सी डी के, यस टेल मी, है ना, ए बी पैरेलल सी डी का रिजल्ट है ये, ए बी पैरेलल सी डी का रिजल्ट है, और इसका रिजल्ट ये हो सकता है, दोनों एक दूसरे के रिजल्ट हो सकते हैं। अब अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और दो लाइंस ऐसी हैं कि उनमें से कोई एक पॉइंट कॉमन है, जैसे ए बी सी डी में कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, तो उसका दूसरा पर्टिकुलर केस ले लें कि पैरेलल तो हैं, मतलब स्लोप तो इक्वल है, लेट अस से स्लोप तो इक्वल है, ये स्लोप तो इक्वल है, लेकिन दो लाइंस ऐसी हैं जिनमें क्या है, एक पॉइंट कॉमन है, लेट अस से ए बी पैरेलल बी सी है। तो अब आप खुद इमेजिन करो, दो ऐसी पैरेलल लाइंस 2D प्लेन पर, 3D में तो अभी है नहीं अपन, 2D प्लेन पर दो ऐसी पैरेलल लाइंस जिसमें एक पॉइंट कॉमन है, तो वो लाइन एक के आगे एक दूसरी लगी हुई होगी, जैसे ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, और बी के आगे से दूसरी शुरू होगी, ये पैरेलल भी हो गई, ये पैरेलल भी हो गई, है ना, और साथ में इनका एक पॉइंट हो गया कॉमन, तो ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में आएंगे, दैट मींस ए बी सी क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। दैट मींस हमको करना क्या है, दिए हुए तीन पॉइंट्स को, वो तीन अभी जो तीन पॉइंट्स का जिक्र कर रहे थे अपन, ए बी सी, उनको ये तीन पॉइंट्स मान लेना है, ए बी सी, इनमें से कोई भी एक पॉइंट कॉमन ले लेना है, चाहे से ये ले लो, चाहे से ये ले लो, चाहे से ये ले लो, एनी वन यू कैन। तो जनरली अपन बीच वाला ले लेते हैं, इसको बी मानते हुए, इसको कॉमन लेते हुए, इसको तो ले लो ए बी, इसको तो ले लो ए बी, इसको ले लो बी सी, ए बी का स्लोप निकालो, बी सी का स्लोप निकालो, और दोनों को इक्वल कर दो, क्यों? क्योंकि कोलिनियर रखना है, कोलिनियर रखना है तो उनको फिर कॉमन पॉइंट लेके पैरेलल रखना पड़ेगा, और पैरेलल रखते हैं तो स्लोप इक्वल करते हैं। चलो स्टार्ट करें, समझ गए? तो लेट द थ्री पॉइंट्स बी, स्टार्ट करते हैं। लेट द थ्री पॉइंट्स बी, और इस स्लोप वाले तरीके से ये कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट, कोलिनियर वाले क्वेश्चन बड़े इजीली हो जाते हैं और बहुत जल्दी हो जाते हैं, बजाय कि वो एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले कॉन्सेप्ट। लेट द थ्री पॉइंट्स बी ए बी ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स कॉमा -1, बी जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 2, 1, एंड सी जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 4, 5। अब आपको ऑलरेडी गिवन है कि ये कोलिनियर है, देखो आपको ऑलरेडी गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये पॉइंट्स कोलिनियर है सब प्रूव नहीं करना, ये तो ऑलरेडी गिवन है। तो नाउ इट इज गिवन दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, नाउ इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट द पॉइंट्स आर
कोलिन। सो पॉइंट्स सो स्लोप ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो ये गिवन पॉइंट, ये रिजल्ट आ गया इसका, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। मैंने बी को कॉमन ले लिया, समझ गए, है ना। आप चाहो तो ए को कॉमन लें तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू ए सी भी लिख सकते हैं। आप चाहो सी को कॉमन लें तो स्लोप ऑफ ए बी, नहीं सी को कॉमन ले रहे हैं तो ए सी एंड बी सी भी कर सकते हैं ना। स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। अब स्लोप निकाल लो अलग अलग, इधर इसका स्लोप निकाल लो, इधर इसका स्लोप निकाल लो। दैट इज स्लोप निकालना आता है वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। तो वैसे अपन क्या करते हैं, अगले वाले पॉइंट के वर्टेक्स, अगले वाले जो टर्मिनल पॉइंट है ना, दो पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, टर्मिनल पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट। तो टर्मिनल पॉइंट में से स्टार्टिंग पॉइंट माइनस करते हैं, बी माइनस ए करूंगा और इस केस में क्या करूंगा, सी माइनस बी करूंगा। हालांकि उल्टा कर दें तो भी फर्क नहीं पड़ता, बट ऐसा करते नहीं है ना। चलो तो इधर करना वाई टू माइनस वाई वन, तो वन माइनस माइनस वन टू माइनस एक्स, यही होगा। वन माइनस माइनस वन डिवाइडेड बाय टू माइनस एक्स, और इधर करो वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, फाइव माइनस वन फोर माइनस टू। राइट, मैं फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि पहली बार नहीं हो रही है, स्लोप का क्वेश्चन हो चुका है, पार्ट टू में स्टार्ट हो चुका है, इसलिए मैं पूरा डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ। फॉर द व्यूअर्स यू मस्ट नो दैट स्लोप ऑफ एनी लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स है ना, दैट इज जिसको अपन एम से डिनोट कराते हैं, उसका फॉर्मूला होता है वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन, वेयर एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू आर दोज टू पॉइंट्स फ्रॉम विच द लाइन इज, थ्रू विच द लाइन इज पासिंग। ओके लेट्स सी, तो वन माइनस माइनस वन विल बी वॉट, वन प्लस वन टू डिवाइड बाई टू माइनस एक्स, और फाइव माइनस वन फोर बाय टू, ठीक है ना। फोर बाय टू को काट के मैं टू बाय वन लिख दूँ अगेन, ठीक है। तो अभी तक टू बाय वन हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो टू माइनस एक्स इंटू टू, टू इंटू टू माइनस एक्स, और इधर टू बन जा टू, ठीक है। ये टू से टू भी काट दो ना, देखो ये टू से टू भी काट दो तो वन बचा, तो टू माइनस एक्स की वैल्यू वन बची, तो एक्स की वैल्यू माइनस एक्स उधर जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा, वन इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, टू माइनस वन दैट इज वन। चेक करो, हेंस द वैल्यू ऑफ एक्स इज वन। तो ये तो अभी मैंने आपको थोड़ा सा समझाया है ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, तो जाके भी इतना जल्दी हो गया, फिर भी इतना जल्दी हो गया। लेट्स से अगर मैं कॉन्सेप्ट नहीं समझाया, अगर आप तो ना किसी को कॉन्सेप्ट समझाओगे, आप एग्जाम में करोगे तो आप तो करना शुरू कर दोगे, तो सोचो कितनी जल्दी हो जाएगा स्लोप वाले कॉन्सेप्ट से। और नहीं अगर एरिया वाले कॉन्सेप्ट से चलते तो फिर सोचो क्या करते अपन, ये करते वन बाय टू है ना, एक्स वन की जगह एक्स लगाते हैं, फिर वाई टू माइनस वाई थ्री वन माइनस फाइव, फिर प्लस फिर एक्स टू यानी टू लगाते हैं, और फाइव माइनस माइनस वन, फाइव माइनस माइनस वन, ठीक है। फिर लास्ट में एक्स थ्री लगाते हैं, फोर इंटू माइनस वन माइनस वन। ये तो करते जो करते इतना बड़ा कैलकुलेशन, फिर इसको इक्वल टू जीरो और रखते और वहां से एक्स की वैल्यू निकलती, कुछ है ना, निकलती यही, ठीक है, क्लियर। चलो कर दूं डिलीट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन। विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, देखो पाबंदी लगा दी, डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं यूज करना है आपको, शो करना है कि ये एक दो तीन चार आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो अब अपन एक काम करते हैं, बोलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बनाऊं या यूक्लिडियन ज्योमेट्री में बनाऊं, एज यू विश। कोऑर्डिनेट में बनाए, ओके ठीक है। चलो वैसे अपन चाहे तो किसी में भी बना सकते हैं ना, इस क्वेश्चन में ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ता, अपन यूक्लिडियन में बनाए। चलो तो फिर कोऑर्डिनेट के लिए तो टू डी प्लेन बनाना पड़ेगा, एक डमी टू डी प्लेन बना देते हैं। ओके तो अब अंदाजे से वर्टिसेस भी मार्क करने पड़ेंगे है ना, पॉइंट्स मतलब कोऑर्डिनेट्स को देखते हुए। तो पहला पॉइंट है लेट्स से कौन सा कर रहे हैं, नाइन्थ कर रहे हैं ना, तो पहला पॉइंट है माइनस टू कॉमा माइनस वन, थर्ड क्वाड्रेंट में समवेयर अराउंड यह आएगा, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में इट विल बी समवेयर, माइनस टू माइनस वन है तो लेट से माइनस टू ये, तो माइनस वन माइनस टू माइनस वन लगभग यहाँ ले लो, है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फोर कॉमा जीरो तो कहाँ पे लाया करेगा, एक्स एक्सिस पे, यस 4.1 एक्स एक्सिस पे लाया करेगा, तो वन टू थ्री फोर अंदाजे से यहाँ ले लो। ओके नेक्स्ट 3.3 थर्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना,
इतना है तो इतना ही लगभग ऊपर, लगभग यहाँ पे अंदाजे से। एंड द लास्ट लास्ट है हमारा -3.2, ये कहाँ जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में? नहीं, -3.2 को सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा ना, -3.2, तो -3.2 लगभग यहाँ पे, ठीक है ना। चलो इनको कनेक्ट करते हैं, हो सकता है परफेक्ट पैरेललोग्राम ना भी बने, बट कोई बात नहीं है ना। आपको परफेक्ट बनाना है तो फिर आप एक काम कर सकते हो, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को छोड़ो और यूक्लिडियन ज्योमेट्री में बना दो। यूक्लिडियन ज्योमेट्री का मतलब होता है सिंपली एक पैरेललोग्राम बना दो, दैट्स इट, है ना। उसमें 2D प्लेन बनाने की जरूरत है। अभी देखो परफेक्ट नहीं लग रहा है, बट फिर भी चलो इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूँ तो फिर परफेक्ट लग जाए ना। ठीक है, तो पॉइंट चेंज कर देते हैं, फीलिंग नहीं आती जब तक तो वो परफेक्ट नहीं लिखता है ना। इसको थोड़ा सा इधर कर दो, अब लग रहा है परफेक्ट, है ना। तो इन 2 पॉइंट्स को पिच पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। ये पॉइंट है और ये पॉइंट। चलो तो एक एक करके उनका नाम देना शुरू कर देते हैं। पहला था -2 -1, इसको ले लेते हैं ए। -2.-1। बी क्या था? 4.0। सी क्या था? 3.3। एंड डी क्या था लास्ट? -3.2। ओके फाइन, ठीक है। अब आपको प्रूव करना है कि नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट दिस इज ए पैरेललोग्राम। अब अगर डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हमको अलाउ करता तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस ए भी निकाल लेते हैं, डिस्टेंस बी सी निकाल लेते हैं, डिस्टेंस सी डी निकाल लेते हैं, डिस्टेंस ए डी निकाल लेते हैं। और ये अगर डिस्टेंस इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ऑपोजिट अगर साइड्स इक्वल होती हैं तो दिस दैट इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम, हो जाता है इजीली काम। बट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने में है पाबंदी। तो पता है हमारा काम उल्टा आसान है, हमारा काम उल्टा आसान है, लोग यूज करेंगे। देखना ध्यान से, पैरेलोग्राम के आमने सामने की साइड्स इक्वल तो होती हैं, पैरेलल भी होती हैं, और जो दो दो लाइंस अगर पैरेलल हो तो उनका स्लोप इक्वल होता है। तो मैं क्या करूंगा, एक एक करके चारों का स्लोप निकालूंगा। ए बी का स्लोप शुड बी इक्वल टू सी डी का स्लोप, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल। और दूसरी बात, ए डी का स्लोप इक्वल टू बी सी का स्लोप, तो ये दोनों लाइंस भी पैरेलल, आमने सामने के दोनों पैर पैरेलल, तो इट इज ए पैरेलोग्राम। तो स्लोप निकालना आसान है कि डिस्टेंस निकालना आसान है, आप खुद सोचो। अभी आप डिस्टेंस निकालोगे तो क्या करोगे, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1 का स्क्वायर का सम का रूट, तो वो करना मुश्किल है, बजाय कि y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1, ठीक है ना। तो हमारे लिए तो काम आसान है। उल्टा अगर ये ऐसे कहता ना, यूज करो डिस्टेंस फॉर्मूला ही, तब हमको थोड़ा सा लेंदी लगता है ना। ठीक है, ओके। चलो तो हेयर द वर्टिसेस ऑफ, और देखो यूक्लिडियन ज्योमेट्री में बनाओ उसको, तो आप सिंपली क्या करना, एक पैरेललोग्राम बना देना, बना दिया ऐसे, है ना। ए के कोऑर्डिनेट्स यहाँ डाल देना, बी के यहाँ डाल देना, सी के यहाँ डाल देना, डी के यहाँ देना। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सेकंड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बी जो है एक्स एक्सिस पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने 2D प्लेन तो बनाया नहीं है ना। तो ऐसे भी कर सकते हो। हेयर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, नहीं पैरेललोग्राम तो प्रूव करना है ना। एक मिनट रुको, क्वेश्चन क्या है? ठीक है, तो अभी तो ये वर्टिसेस हैं, लेट्स से कि ऑफ पैरेलोग्राम मत लिखो ना, क्योंकि ये तो प्रूव करना है कि पैरेलोग्राम के। तो हेयर द वर्टिसेस ए बी सी डी, सिंपली ऐसे लिख लो, ए -2.-1, बी 4.0, सी नीचे लिख दो सी 3.3, एंड डी -3.2, आर गिवन, आर गिवन, है ना। ठीक है, अब अपन एक एक करके स्लोप निकालते हैं, ठीक है ना। तो नाउ स्लोप ऑफ ए बी, लेट्स है ना, स्लोप ऑफ ए बी, लेट्स से उसको m1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 4 है तो m1 m2 m3 m4, और एक बार के लिए फॉर्मूला लिख दो, फिर बार बार नहीं लिखेंगे। y2 - y1 डिवाइडेड बाय क्या होता है, x2 - x1। ओके, तो y2, अब ए बी निकाल रहे हैं ना, ए बी का, तो बी में से एक एक हटाने, राइट, बी के कोऑर्डिनेट्स में से एक एक कोऑर्डिनेट्स घटाने। ओके, तो 0 - -1 मैच करो, 0 - -1 डिवाइडेड बाय 4 - -2, ठीक है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो इट विल बी लाइक 0 - -1 = 0 + 1 यानी 1, और 4 + 2 यानी कि 6।
M1 तो आ गया 1/6। चलो नेक्स्ट, स्लोप ऑफ AB के बाद स्लोप ऑफ BC, चारों के निकालना पड़ेगा। स्लोप ऑफ BC दैट इज M2। ठीक है, अब फॉर्मूला नहीं लिखेंगे ना, C के कोऑर्डिनेट्स में से B के कोऑर्डिनेट्स घटाओ भाई। 3 - 0 डिवाइडेड बाय 3, पहले हमेशा वाई कोऑर्डिनेट घटाना है ऊपर, और नीचे फिर क्या घटाना है एक्स, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है स्लोप एन टेन थीटा, है ना। तो परपेंडिकुलर कैसे बनेगा, वाई कोऑर्डिनेट में से आएगा 3 - 0 डिवाइडेड बाय 3 - 4। 3 - 0 डिवाइडेड बाय 3 - 4, तो 3 - 4 क्या होगा, -1, तो इट विल बी लाइक -3। ठीक है, ओके, दो के स्लोप आ गए। तीसरा स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ क्या बचा, AB BC। तो अब CD की बारी, CD देखो कोई फर्क नहीं लगेगा, अगर मैं इसको DC भी लिख दूंगा तो कोई फर्क नहीं लगेगा ना, आंसर सेम आएगा, बट अब जो लिख रहे हो तो फिर माइनस वैसे करना, डी के कोऑर्डिनेट्स में से सी के कोऑर्डिनेट्स घटाना, और DC लिख रहे हो तो सी के कोऑर्डिनेट्स में से डी के कोऑर्डिनेट्स घटाना, है ना, सिस्टम से चलना है बिल्कुल। दैट इज M3, तो CD कहाँ है, CD ये रहा, तो डी के कोऑर्डिनेट्स में से सी के, यानी 2 - 3 डिवाइडेड बाय -3 - 3, 2 - 3 डिवाइडेड बाय -3 - 3। ओके, 2 - 3 इज व्हाट, -1, -3 - 3 इज व्हाट, -6, -1 - -6 इक्वल टू व्हाट, 1/6। तो चेक करो, M1 और M3 तो इक्वल आ चुका है। एक लास्ट और स्लोप ऑफ CD के बाद क्या है, AD, या DA भी लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ AD दैट इज, इसको क्या लिखूंगा मैं, M4। चलो D के कोऑर्डिनेट्स में से A के कोऑर्डिनेट्स घटाने हैं, फाइनल टास्क फॉर दिस क्वेश्चन, 2 - 3 डी में से सी के घटाने ना, नहीं डी में से ए के घटाने, एडी कर रहे हैं सॉरी, तो 2 - -1 और -3 - -2, प्लस माइनस साइन का बिल्कुल खास ध्यान रखना है, 2 - -1 डिवाइडेड बाय -3 - -2, -3 - -2। ठीक है, 2 - -1 यानी 3, और ये भी प्लस हो जाएगा, तो -3 + 2 कितना होता है, -1, और 3 - -1 क्या होता है, -3। ये लो सब, M3, M2 और M4 भी मैच हो गया। ठीक है, अब एनालाइज करते हैं। नाउ नाउ एनालाइजिंग द स्लोप्स वी गेट, एनालाइजिंग द स्लोप्स ऑफ 4 साइड्स वी गेट स्लोप ऑफ, किस किस का इक्वल आ रहा है, स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ CD, है ना, तो लिख दूंगा मैं जो जो भी मेरे को रिजल्ट्स मिले, स्लोप ऑफ AB दैट इज, उसको हमने M1 लिया है, इक्वल टू क्या आ रहा है, स्लोप ऑफ CD, उसको अपन ने M3 लिया है, दैट इज M3। ठीक है ना, तो यहां से ये इक्वल आ रहा है, तो इम्प्लाइज, यहां से इम्प्लाई होता है, इम्प्लाइज कि AB इज पैरेलल टू CD, AB का तो CD के बराबर आ रहा है, इम्प्लाइज AB पैरेलल टू CD। एंड दूसरा एनालिसिस ये कहता है कि स्लोप ऑफ BC जिसे अपन ने M2 लिया है, इक्वल टू क्या आया है, स्लोप ऑफ AD, स्लोप ऑफ AD जिसे अपन ने M4 लिया, राइट, तो इससे क्या इम्प्लाई होगा, इससे क्या रिजल्ट आएगा कि BC पैरेलल AD। फाइन, ठीक है, चलो, तो नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AB पैरेलल हो चुका है CD के, एंड BC पैरेलल हो चुका है AD के, तो एक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने की दो साइड्स अगर पैरेलल हो जाएं तो फिर वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पैरेललोग्राम। सो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD फॉर्म से पैरेलो इज ए पैरेललोग्राम, है ना, इज ए पैरेललोग्राम, ये प्रूव करना था, ठीक है, डन। ठीक है, तो
तो दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेलोग्राम प्रूव करना था, चाहे से ऐसे लिख दो कि दीज पॉइंट्स फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेलोग्राम, और चाहे से आप ऐसे लिख दो कि इट इज अ पैरेलोग्राम, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेलोग्राम, एक ही बात है, बात तो प्रूव हो रही है, ठीक है ना। अच्छा, कई बच्चों इस चीज पे भी कंफ्यूज होते हैं कि सर पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी तो होती है, पैरेलोग्राम में आमने सामने की साइड्स क्या होती है, इक्वल भी तो होती है, तो पैरेलल प्रूव कर देंगे तो इक्वल प्रूव करने की जरूरत नहीं है, और अगर इक्वल प्रूव कर देंगे तो पैरेलल प्रूव करने की जरूरत नहीं, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन भी प्रूव हो जाएगी ना, तो वो पैरेलोग्राम ही प्रूव है, क्योंकि अगर आप पैरेलल बनाओगे तो वो बाय डिफॉल्ट इक्वल बनेगी, आप ऐसा ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना ही नहीं सकते, बनाने बैठेंगे कि हमने पैरेलल तो बना दिया और इक्वल नहीं बना, ऐसा तो बना ही नहीं सकते, दोनों पेयर है ना, और ऐसा भी नहीं बना सकते कि इक्वल बना दिया और पैरेलल नहीं बना, हालांकि पैरेलोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टी पैरेलल होना होता है, क्या होता है, पैरेलल होना, बाकी दूसरी इक्वालिटी वाली प्रॉपर्टी उसका रिजल्ट होता है कि जब अपन ने पैरेलल बनाने रखे ना तो इक्वल भी बन गए, ठीक है, क्लियर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 2D प्लेन को बने रहने देते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या पता काम आ जाए। क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है अभी, 10th, तो 10th में तो कोई खास जरूरत नहीं है वैसे 2D प्लेन की। फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग दिस दिस दिस। अब देखो 2D प्लेन बनाया हुआ है तो उसमें डिनोट करा दो ना, तो ज्यादा फीलिंग आ जाएगी, बनाया तो हुआ है ही सही। 3, -1, 3, -1 विल फॉल लगभग यहाँ पे, 3, -1 है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो 3, लेट्स से 3, -1 लगभग, और 4, -2 कहाँ आएगा, ऊपर सेकेंड क्वाड्रेंट में, फोर नहीं नहीं 4, ये भी अच्छा, दोनों ही नीचे, 3, -1, 4, दोनों ही फोर्थ क्वाड्रेंट में ना, तो ये 3, -1 था और दूसरा था 4, -2, थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा और नीचे, अंदाजे से लगा देते हैं, ये मिल गया 2 पॉइंट्स। अब ये इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाली जो लाइन और जो एक्स एक्सिस है, इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए, समझ गए, इन दोनों के बीच का, तो इन दोनों से गुजरने वाली लाइन बना दो, इन दोनों से गुजरने वाली लाइन हो जाएगी लाइक दिस, और उसको एक्स एक्सिस से भी पास कराओ है ना, क्योंकि लाइन की कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते, ये तो इन 2 पॉइंट से गुजर रही है, दैट इज फाइन, बट आगे भी जाएगी, एक्स एक्सिस से पास कराओगे तभी तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल आप देख पाओगे कौन सा है, समझ गए। तो दो जो पॉइंट्स हैं उनको ए बी ले लेते हैं, ए बी एंड द कोऑर्डिनेट्स आर 3, -1 एंड बी कोऑर्डिनेट इज, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट इज 4, -2, ठीक है फाइन। अब एंगल विद द एक्स एक्सिस चाहिए, क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस, देखो एक्स एक्सिस के साथ इसके 2 एंगल बन रहे हैं, ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस है ना, तो अब इसने कहा नहीं कि मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज चाहिए या मेजर्ड क्लॉकवाइज चाहिए, हालांकि जब कुछ नहीं कहते हैं ना तो बाय डिफॉल्ट एंटी क्लॉकवाइज होता है, क्योंकि एंगल अपन एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर करते हैं, क्वाड्रेंट में अपन चलते हैं तो ऐसे चलते हैं, क्लॉकवाइज नहीं चलते हैं, तो क्लॉकवाइज के लिए इसको स्पेसिफिकली कहना पड़ेगा कि नहीं नहीं भैया आपको उल्टा एंगल बताओ क्लॉकवाइज बताओ, लेकिन एक काम करते हैं टू बी ऑन द सेफर साइड, अपन दोनों ही निकाल लेते हैं, और दोनों निकालना बड़ा आसान है, आप तो एंटी क्लॉकवाइज निकालो स्लोप के तरीके से, एक बार आपने एंटी क्लॉकवाइज एंगल निकाल लिया तो 180 में से माइनस करके क्लॉकवाइज आ जाएगा, अपन ने दो तरह के एंगल निकालने का फॉर्मूला भी लिखा है ना, ठीक है। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज एंगल कौन सा होगा, मैं मार्क करता हूँ यहाँ पे, विद द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज एंगल ये होगा, मानते हो एंटी क्लॉकवाइज, तो ये होगा इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल, और क्लॉकवाइज कौन सा होगा, ये नीचे वाला होगा, तो ये दोनों का एंगल का 180 नहीं होगा क्या, लीनियर पेयर बना रहा है ना, तो अपन तो एंटी क्लॉकवाइज वाला निकाल लेते हैं, 180 से माइनस कर दिया, ठीक है। अब एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है बताओ, याद है कुछ, 10 थीटा, हाँ 10 थीटा इक्वल टू समथिंग इस तरीके का एंगल है, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन वो एंगल बिटवीन 2 लाइंस का फॉर्मूला है, किसका है वो, अब या तो आप एक्स एक्स, आपको देखो क्या क्या चाहिए, इस लाइन और इस लाइन के एक्स एक्सिस के बीच का एंगल चाहिए ना, तो या तो आप एक्स एक्सिस को एक लाइन मानो, आप या तो आप एक्स एक्सिस को एक लाइन मानो, फिर इसका स्लोप निकाल लो, लेट से M1 मान लो, और एक्स एक्सिस का खुद का भी स्लोप निकाल लो, उसको M2 मान लो, और फिर 10 थीटा वाला एंगल में आपको 2 स्लोप की जरूरत होती है, M1 - M2 / 1 + M1 - M2, उससे आप एंगल निकालो, एक तरीका तो ये है ना। अच्छा आप कहोगे सर इसका स्लोप तो निकाल लेंगे Y2 - Y1 / X2 - X1, एक्स एक्सिस का स्लोप कैसे निकालेंगे, एक्स एक्सिस का स्लोप हमेशा 0 होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रही है, तो 10 0 0 ही होगा है ना, और वाई एक्सिस का स्लोप हमेशा इन्फिनिटी होता है, क्योंकि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और 10 90 क्या होता है, इन्फिनिटी है ना, एक्स एक्सिस का स्लोप अपने नोट्स में नहीं लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक्स एक्सिस का स्लोप एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस से पैरेलल कोई भी लाइन का स्लोप 0,
वाई एक्सिस और वाई एक्सिस से पैरेलल कोई भी लाइन का स्लोप इंफिनिटी। ओके, एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि बेटा मैं इसका स्लोप ही निकाल लेता हूं, और स्लोप जब मैं निकाल लूंगा तो वो स्लोप एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल ही तो होता है। हमसे एंगल भी उसने जानबूझ के क्या पूछा है, एक्स एक्सिस से बना हुआ एंगल। तो मैं जो स्लोप निकालूंगा, स्लोप निकालने के तो दो फॉर्मूले हैं कि एक तो आप एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन का टेन थीटा निकाल लो, वो भी स्लोप होता है, और एक दो पॉइंट से निकाल लो। तो मैं इधर से निकाल के उधर इक्वेट कर दूंगा तो भी तो एक्स एक्सिस के साथ ही एंगल आएगा। तो मैं एक्स एक्सिस को क्यों अलग से एक लाइन मानू, उसकी स्लोप जीरो मानू और एंगल बिटवीन टू लाइन्स का फॉर्मूला लगाऊ। वहां पे आप एंगल बिटवीन टू लाइन्स का फॉर्मूला लगाओगे और यहाँ पे सिंपली स्लोप का फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, तो अपन इजी चीज पकड़ते हैं, अपन सिंपली इसका स्लोप निकालते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हेयर, लेट्स से इस लाइन का नाम हम एल रख देते हैं, लाइन एल। हेयर लाइन एल, लाइन एल इज गिवन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, टू पॉइंट्स ए 3, -1 एंड बी 4, -2, है ना। ठीक है, सो स्ट्रेट अवे निकालते हैं इसका स्लोप। सो अब आज के क्वेश्चन में सब में स्लोप का, और अगले आगे के क्वेश्चन मतलब टोटल जितने भी क्वेश्चन सब में स्लोप का रोल है, वह चीज पहले क्लियर कर ही दी थी। सो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, फॉर्मूला के हिसाब से y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1, तो -2 - -1 बी के कोऑर्डिनेट्स में से एक कोऑर्डिनेट्स घटाएंगे, डिवाइडेड बाय 4 - 3, तो -2 - -1 यानी -2 + 1 यानी -1, और 4 - 3 यानी कि 1, सो इट इज इक्वल टू -1। फाइनली क्या आया बताओ, -1। ओके फाइन, अब अगर ये स्लोप है तो हम जानते हैं कि स्लोप क्या होता है, टेन थीटा होता है। क्या होता है, टेन थीटा, और वहां पर थीटा क्या होता है, एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल, और उसको भी एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल ही चाहिए। मैं इसको सिंपली टेन थीटा के इक्वेट कर दूं, स्लोप के दूसरे फॉर्मूले से इक्वेट कर दूं। एक बार स्लोप निकाला मैंने इस फॉर्मूले से, टू पॉइंट वाले फॉर्मूले से, और एक बार दूसरे फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा, उससे इक्वेट कर दूं, जो उधर से स्लोप निकाला है उसको उससे इक्वेट कर दूं। ठीक है ना, दैट इज टेन थीटा इक्वल टू व्हाट, -1। तो थीटा निकालना है मुझे यहां से, है ना, क्या निकालना है, थीटा, वेयर या टेन थीटा इक्वल टू -1, वेयर थीटा इज द एंगल, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, ऐसे तो क्लियर होता ही है पर फिर भी डाल देते हैं अपन, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन व्हाट, द लाइन ए बी, बिटवीन द लाइन ए बी एंड द एक्स एक्सिस, क्योंकि स्लोप की डेफिनेशन में एक्स एक्सिस ही है और पूछा भी आपसे एक्स एक्सिस का ही है, तो हम सिंपली इस तरीके से कर सकते हैं। चलो जी, अब टेन थीटा इक्वल टू -1 से आपको सॉल्व करके और क्या निकालना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो बताओ, टेन थीटा, माइनस को तो माइनस रहने दिया मैंने, 1 को क्या लिख सकता हूँ, 10π/4, या चलो 45 डिग्री, अभी शायद एंगल आपको डिग्रीज में दे रखा है इस चैप्टर में, है ना, उसमें रेडियन में। ठीक है, तो पिछली बार तो अपन ने बाकी क्वेश्चंस में तो नहीं निकाला रेडियन, या मैंने ध्यान नहीं दिया। चलो ठीक है, -10π/4। ओके, माइनस की जगह माइनस, 1 को क्या लिख सकते हैं, 10 45 डिग्री होता है, 10π। अब माइनस कब होता है, 10 जो होता है वो नेगेटिव कब होता है, वो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए 10 को तो करना पड़ेगा कॉट और 90 डिग्री ऐड करना पड़ेगा, यानी कि π/2 + π/4, 90 + 45 करना पड़ेगा। ठीक है क्या, बट उससे मुझे 10 नहीं मिला, तो रुको 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 रुको, गलती करनी पड़ेगी। देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं 90+ ऐड करता हूं तो 10 किस में चेंज हो जाता है, कॉट में। तो अब मैं 10 को कॉट से कैसे कंपेयर करूंगा, तो मैं 90+ नहीं कर रहा हूं, उसकी जगह मैं क्या कर देता हूँ, 180 माइनस कर देता हूँ। 180 माइनस करेंगे तो 10 का 10 ही रहेगा, क्योंकि इन दोनों पॉइंट से कंपेयर करते हैं तो एंगल रिले क्या कहते हैं, रेशियो चेंज नहीं होता, 10 का 10 ही रहेगा। और अगर इन दोनों से करते हैं तो फिर क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है, 10 का कॉट हो जाता है, तो फिर कंपेरिजन दिक्कत हो जाएगी मुझे। तो मैं काम करता हूँ, इसको 180 - थीटा लगाता हूँ, है ना, तो ये हो जाएगा 10 का 10 ही रहने दो, और 180 को क्या लिखते हैं, π - π/4, तो इट विल बी लाइक 10 π - π/4, क्या होता है, 3π/4, राइट। अब 10 से 10 कंपेयर हो रहा है, देखो 10 थीटा की वैल्यू 10π/4, तो थीटा की वैल्यू बोलो, 10 थीटा की वैल्यू, देखो ये 10 थीटा, इसकी वैल्यू फाइनली क्या आ गई, 10 3π/4, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई बोलो, 3π/4, 3π/4,
ये थीटा जो है वही एंगल है जो एक्स एक्सिस के साथ ये बना रहा है। लेकिन हमने क्या कहा था कि लेट से कि दोनों एंगल निकाल लेते हैं, लेट से कि ये तो था थीटा है ना, लेट से ये तो था थीटा और लेट से ये था अल्फा है ना, तो अब अल्फा कैसे निकालेंगे, 180 में से माइनस करके है ना, तो थीटा ही आ गया और अल्फा भी निकाल लें। सो अल्फा इक्वल टू 180, यानी 180 वही पाई, पाई में से 3π/4 निकालेंगे तो वही π/4 है ना, तो हैंस हैंस एंगल बिटवीन लाइन ए बी एंड एक्स एक्सिस, ठीक है ना। इस देखो बेसिक एंगल तो 3π/4 ही होगा, ठीक है, और एंड साथ में π/4 भी अपन सेफर साइड होने के लिए निकाल के रख सकते हैं। ये तो है एंटी क्लॉकवाइज, मेशर्ड एंटी क्लॉकवाइज, ब्रैकेट में लिख देना क्या सिंपलीफाई सिंप्लीफाई कर रखा है। हाँ तो मैं पहले पूछ रहा था ना आपको, तभी तो मैं लिख रहा था 180 माइनस 45। नहीं आंसर्स इसके अभी तक मैंने इसके एक्सरसाइज के पिछले आंसर्स देखे ना, तो एंगल डिग्री में दे रखा है, रेडियन में नहीं दे रखा ना। हाँ तो 45 और 180 में से 45 गया तो 135, अभी भी आप इसकी वैल्यू वापस पाई की वैल्यू 180 डाल दो ना, तो 45 टाइम्स कट गया, 45 × 3 135 है ना, तो ऐसे लिख दो। ये लो इसके आगे तो लिख दिया मैंने क्या, 135 डिग्रीज, और ये क्या हो गया मेरा 45 डिग्रीज, ठीक है। अभी तो ये हो गया बेसिक एंगल कौन सा होगा, 135 डिग्री, और उल्टा एंगल मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर लें तो 45 डिग्री। अब पीछे आंसर दोनों हैं या फिर कौन सा मतलब, तो बेसिक एंगल तो यही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होते हैं हमारे बेसिक एंगल्स कुछ ना कहें तो, बट हमने टू भी सेफर साइड दोनों निकाल दी, ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया अच्छे से क्वेश्चन। और अगर आप इसको एंगल बिटवीन टू लाइंस के कॉन्सेप्ट से करते हैं तो रफली देख लो क्या करता, फिर मैं दोनों के स्लोप इक्वेट दोनों के स्लोप निकालता, तो इसका स्लोप तो मैं निकाल चुका हूँ -1, और मैं एक्स एक्सिस का स्लोप निकालता जो होता है 0, अभी अभी मैंने बताया, वो भी उससे भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं। देखो इसको तो मैंने मान लिया M1 है ना, और उसका स्लोप निकाल लिया मैंने 0, 0 यानी कि M2 यानी कि 0, तो देखो उससे कैसे करता, मैं ऐसे करता, नाउ पहले वाले का स्लोप निकाल लिया मैंने -1, और दूसरी एक्स एक्सिस है तो उसका स्लोप क्या होता है 0, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला है मेरे पास, एंगल थीटा इक्वल टू, बोलो याद है, टेन थीटा इक्वल टू, टेन थीटा रखना पड़ता है पहले, टेन थीटा इक्वल टू बोलो मॉडुलस M1 - M2 / 1 + M1 M2, यही तो है, ठीक है। तो M1 क्या है -1, M2 क्या है 0, 1 + M1 क्या है -1, M2 क्या है 0, और मॉडुलस भी लगाना पड़ता है, मॉडुलस से हमको एक्यूट एंगल मिलता है, मॉडुलस से हमको क्या मिलता है, उन दोनों के बीच का एक्यूट एंगल मिलता है, ठीक है ना। ओके तो -1 - 0 यानी -1, ठीक है, और 1 ये 1 ही हो जाएगा मॉडुलस, ठीक है, -1/1 यानी -1 का मॉडुलस यानी कि 1, तो टेन थीटा की वैल्यू 1, तो थीटा की वैल्यू π/4, तो इससे फिर आप सबसे पहले जब इससे आप सॉल्व करते तो पहले आपको क्या मिलता, पहले आपको अक्यूट एंगल मिलता है ना, क्योंकि एंगल बिटवीन टू लाइन से हम मॉडुलस लगा देते हैं ना उसमें, तो मॉडुलस लगाते ही पहला एंगल अपने को हमेशा क्या मिलता है, एक्यूट मिलता है, और 180 से माइनस करने के बाद फिर आपको दूसरा एंगल 3π/4 मिलता है ना, 45 मतलब, समझ गए। कर एक क्वेश्चन और करें, हो गया टाइम, कितने क्वेश्चन किए आज, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 तो बहुत ही आसान है, 2 मिनट में हो जाएगा, देखो फटाफट, द स्लोप ऑफ ए लाइन, एक लाइन का स्लोप, दो लाइन से मेरे पास इधर ही रफली कर लो, एक लाइन है उसका स्लोप दूसरी लाइन का डबल है, तो लेट अस से इस लाइन का स्लोप M1 मान लिया मैंने, और इस लाइन का स्लोप मैंने M2 मान लिया, ठीक है, ठीक है, दो लाइन से लेट अस से L1, इस लाइन का नाम मैंने रख दिया L1, इस लाइन का नाम रख दिया मैंने L2, तो L1 का स्लोप M1, L2 का स्लोप M2, और इस लाइन का स्लोप इस लाइन का डबल, इस लाइन के स्लोप का डबल है, तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ये M1 इज डबल, इस लाइन का स्लोप क्या लिया मैंने M2, तो M1 इज डबल M2 ट्वाइस ऑफ M2, ये हो गया। अब क्या कह रहा है, टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम,
इन दोनों के बीच के एंगल का टेंजेंट, इन दोनों के बीच का एंगल लेटर से थीटा ले लिया तो उसका टेंजेंट मतलब टेन थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल लेटर से मैंने क्या ले लिया थीटा है ना, और उसका उस एंगल का भी क्या लेना है टेंजेंट लेना है, तो टेंजेंट बोले तो टेन थीटा, उसकी वैल्यू क्या है 1/3 है, मतलब टेन थीटा की वैल्यू क्या है 1/3 है, तो बड़ा ही आसान हो गया। तो टेन थीटा की वैल्यू 1/3 आप फॉर्मूला लगाओ, जैसे कि टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/3, और टेन थीटा की भाई फॉर्मूला वैल्यू क्या होती है एंगल बिटवीन टू लाइंस के फॉर्मूला से, मॉडुलस m1 - m2 / 1 + m1 m2। अभी अभी अपन ने किया ना, अगर दो लाइन के बीच का एंगल थीटा है तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है इन रेस्पेक्ट टू, इन रेफरेंस टू देयर स्लोप्स, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है मॉडुलस ऑफ m1 - m2 / 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/3। अब देखो m1 और m2 की वैल्यू पुटअप करो, तो m1 की वैल्यू ट्वाइस m2 है, तो इधर मैं m1 की जगह क्या डाल दूंगा ट्वाइस m2 डाल दूंगा ना, ट्वाइस m2 इसकी जगह m1 की जगह जहां जाए m1, और माइनस क्या है m2 डिवाइडेड बाय नीचे भी क्या हो जाएगा 1 + m1 की जगह क्या डाल दूंगा ट्वाइस m2 डाल दूंगा, और फिर अगेन क्या आ जाएगा m2 आ जाएगा, मॉडुलस इक्वल टू व्हाट 1/3, 2 m2 में से एक m2 गया तो सिंगल m2 और नीचे बोलो 1 + 2m2 स्क्वायर, अभी भी ये किसमें है 2m2 का स्क्वायर है ना, ठीक है अभी भी ये किसमें है मॉडुलस में। अब जब मॉडुलस सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो इसके बाद का काम आप खुद करना। देखो मैं क्या कर देता हूँ, जैसे मैंने मॉडुलस खोला तो एक बार तो मैंने लिख दिया प्लस में है ना, m2 / 1 + 2m2 स्क्वायर इक्वल टू 1/3 प्लस में, और दूसरी चीज क्या हो जाएगी m2 / 1 + 2m2 स्क्वायर इक्वल टू -1/3, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 + 2m2 स्क्वायर 1 + 2m2 स्क्वायर इक्वल टू 3m2 है ना, और यहां से कराएंगे तो -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -1 - 2m2 स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 3m2, राइट ठीक है ना, तो यहां से जो इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी दोनों साइड, तो ट्वाइस m2 का स्क्वायर -3m2 + 1 = 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन गई, जहां पे एक्स होता था उसकी जगह m2 है, जैसे 2x² - 3x + 1 होता है ना, और यहाँ पे क्या करेंगे इसको प्लस करने के लिए दोनों को उधर ले जाओ ना, इसको भी उधर ले जाओ उसको भी ले जाओ, तो क्या बन जाएगा ट्वाइस m2 स्क्वायर + m2 + 1 = 0, तो दो नंबर बताओ जिसको जोड़ने घटाने पे -3 आता है और प्रोडक्ट 2 आता हो बोलो, जोड़ने घटाने में क्या आता हो -3 - 2 - 1, तो इसको स्प्लिट कर दूंगा 2m2 स्क्वायर - 2m2 - m2 + 1 = 0, और यहाँ पे अब आपको +3 चाहिए तो 2 एंड 1, इधर -2 - 1 था इधर 2 एंड 1, तो 2m2 स्क्वायर + 2m2 + m2 + 1 = 0, यहां से 2m2 कॉमन आया तो बचा क्या अंदर 2m2 - 1, और वहां से -1 कॉमन आया, नहीं 2m2 क्यों बचा अंदर, 2m2 तो कॉमन ले लिया ना मैंने, तो केवल m2 ही बचा, m2 - 1 और वहां से -1 कॉमन ले लिया तो क्या बचा अंदर m2 - 1 = 0, और यहाँ आ जाओ यहां से भी 2m2 कॉमन ले लो तो क्या बचा m2 + 1, और +1 कॉमन ले लो तो m2 + 1 = 0, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया ना, ये अलग है ये अलग है, अब यहां से क्या आया 2m2 - 1 एक बार, और यहां से क्या आया m2 - 1 दूसरी बार = 0, और इधर आओ यहाँ पे क्या आया m2 + 1, और अंदर क्या बचा 2m2 + 1 = 0, तो 2m2 - 1 की वैल्यू 0, तो m2 कितना है, m2 की 4 वैल्यूज है ना, क्या +1/2, ठीक है यहां से बोलो और m2 की वैल्यू +1, और यहां से बोलो m2 की वैल्यू -1, और यहां से बोलो m2 की वैल्यू -1/2, तो m2 की 4 वैल्यू है तो m1 इसका दुगना है, तो m1 की भी दुगना दुगना करते जाओ 4 वैल्यू हो जाएंगी, इसका दुगना करो 1/2 का दुगना 1 ठीक है ना, और 1 का दुगना 2, और -1 का दुगना -2, और -1/2 का दुगना -1, तो ये चार चार वैल्यूज m1 की, दोनों के स्लोप्स निकालने थे आपको, फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइन, तो m1 m2 दोनों निकालने थे, तो पहली लाइन का स्लोप हो सकता है या तो 1 या तो 2 या तो -2 या -1, और दूसरी लाइन का स्लोप हो सकता है या तो 1/2 या +1 या -1 या -1, आप आंसर मैच कर लेना, चार आंसर इसके होंगे, चार आंसर है ना, एक बार घर जाकर फेयर कर लेना थोड़ा सा इसको, थोड़ा रफली कर लिया अपन ने, ठीक है अब कितने कर लिए अपन ने आज 11 तक कर लिए राइट।
बच्चे हैं, मैं तीन का वीडियो बना दूं तो बहुत ही इजी दिखाई दे रहा है मुझे, कल से अपन नेक्स्ट कर लेंगे, तो तीनों का वीडियो बना दूंगा ठीक है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखो, फटाफट खत्म करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 तीनों ही बड़े आसान दिखाई दे रहे हैं, देखते हैं। लाइन पासेस थ्रू एक्स वन वाई वन एच के, देखो दो पॉइंट है, लेटर से ये ए है ये बी है, इससे लाइन पास हो रही है। इफ द स्लोप ऑफ द लाइन इज एम शो दैट दिस इक्वल टू दिस, तो स्लोप को एम के दिया तो शो करना ही है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। देखो अगर एक लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है, एक पॉइंट है ए, लेट्स से इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, एक्स वन कॉमा वाई वन, और एक पॉइंट है बी, लेट्स से इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, एच कॉमा के, इससे एक लाइन पास कर रही है, ये लाइन है जो इससे पास कर रही है। तो अगर लाइन इससे पास कर रही है तो इसका स्लोप भी दे रखा है, तो दो पॉइंट से अगर लाइन पास कर रही है तो स्लोप आप ही निकाल लो, लेट्स से लाइन एल है, स्लोप ऑफ लाइन एल क्या हो जाएगा, वही वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, तो वाई वन माइनस के, या फिर एक काम करो के माइनस वाई वन लिख लो, क्योंकि आपको जो प्रूव करना है उसमें के माइनस वाई वन की फॉर्मेट में हो, हालांकि आप वाई वन माइनस के करके वापस माइनस से मल्टीप्लाई करके चेंज भी कर सकते हो, बट सीधा वैसे ही लिख लो। तो वाई टू माइनस वाई वन में मैं क्या ले लूंगा, के माइनस वन डिवाइडेड बाय एच माइनस एक्स वन, और अब आपको गिवन है कि ये स्लोप एम है। वैसे भी स्लोप ऑफ लाइन को अपन जो है एम लेटर से डिनोट करते हैं, और इस क्वेश्चन में भी ये गिवन है कि स्लोप ऑफ लाइन है जो है वो एम है, तो ये तो जो फॉर्मूला है फॉर्मूला ही प्रूव करने के लिए दे दिया, के माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एच माइनस एक्स वन, प्रूव्ड, ये तो प्रूव करना खत्म, ठीक है ना, के माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एच माइनस वन, बिल्कुल बेकार क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ थ्री पॉइंट दिस 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 लाई ऑन अ लाइन शो दैट दिस इज, अगेन अब तीन पॉइंट्स एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स ये कोलिनियर है, तो कोई भी एक कॉमन पॉइंट ले लो, लेट अस इसको कॉमन ले लिया, तो ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप जो है इक्वल रख दो, स्लोप को जैसे इक्वल रखोगे तो ये इक्वेशन बन के आ जाएगी जो आपको चाहिए चाहिए, ठीक है ना। तो लेट से ये है ए, लेट से ये है बी, लेट से सी, तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी निकालता हूँ पहले मैं, स्लोप ऑफ ए बी ठीक है, दैट इज लेट से उसको एम वन ले लेते हैं, एम वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन यानी बी माइनस जीरो डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन यानी ए माइनस एच, इट इज फाइनली इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए माइनस एच, ठीक है। चलो स्लोप ऑफ लाइन बी सी, स्लोप ऑफ लाइन बी सी दैट इज एम टू, दैट इज एम टू इक्वल टू बी सी यानी कि वही के माइनस बी डिवाइडेड बाय जीरो माइनस ए, जीरो माइनस, सो के माइनस बी डिवाइडेड बाय माइनस ए, माइनस को ऊपर इंट्रोड्यूस करा दें तो ये जाता है बी माइनस के डिवाइडेड बाय ए, या क्या एम टू। नाउ ए बी सी आर कोलिनियर, लाई ऑन ए लाइन का मतलब क्या होता है, कोलिनियर। नाउ नाउ ए बी एंड सी लाई ऑन ए लाइन, दैट मीन्स दे आर कोलिनियर, इम्प्लाइज ए बी पैरल बी सी, और ए बी पैरल बी सी इम्प्लाइज एम वन इक्वल टू, दोनों का स्लोप इक्वल, एम वन इक्वल टू एम टू, सो दोनों का स्लोप करो इक्वेट, एम वन आ रहा है बी डिवाइडेड बाय ए माइनस एच इक्वल टू एम टू आ रहा है बी माइनस के डिवाइडेड बाय ए, ओके ठीक है। अब आपको देखो देखो क्या करना है, इधर ए चाहिए इधर बी, चलो एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं देखते हैं, तो ए बी इक्वल टू, या ए बी को इधर रखो आर एच एस में पहले ये कर लो, तो ए इंटू बी ए बी, ए इंटू माइनस के माइनस ए के, माइनस एच इंटू बी माइनस बी एच, और माइनस एच इंटू माइनस के प्लस के एच इक्वल टू ए बी, ठीक है ना, ए इंटू बी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी से ए बी खत्म। नाउ व्हाट, अब जो आपको प्रूव करना है, देखो जो आपको प्रूव करना है उसमें ए और बी एल एच एस में, तो ए और बी किस किस में दिखाई दे रहे हैं, इसमें, तो इन दोनों को तो रखो एल एच एस में, उसको भेजो आर एच एस में, देखो जो आपको प्रूव करना है उससे मैच करना है ना अपने को, तो जो आपको प्रूव करना है उसमें ए और बी एल एच एस में, तो ए वाली टर्म और बी वाली टर्म रखो एल एच एस में, माइनस ए के माइनस बी एच और बाकी को भेजो उधर, तो माइनस के एच। अब देखो अब आपको आर एच एस में रखना है वन, तो आर एच एस में वन तभी आ सकता है जब ये माइनस के एच से डिवाइड हो जाए, माइनस के एच से डिवाइड हो जाए, तो केवल आर एच एस को तो नहीं कर सकते, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय माइनस के एच, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डिवाइडिंग
बोथ साइड्स बाय, क्योंकि अकेले को उसको तो नहीं कर सकते ना, बोथ साइड्स बाय माइनस के एच, इसे डिवाइड करा देता हूं मैं, तो इधर ऊपर लिख देता हूं, देखो माइनस ए के डिवाइडेड बाय माइनस के एच, देन मान लो इधर मैं प्लस लगा देता हूं और इसको माइनस बी एच लिख देता हूँ ना, माइनस बी एच डिवाइडेड बाय माइनस के एच इक्वल टू माइनस के एच डिवाइडेड बाय माइनस के एच। ठीक है देखो, तो के से के गया, ये आ जाएगा आपका ए बाई एच, हो गया काम, ठीक है ना, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, के से के गया तो ए बाई एच, अगेन यहाँ माइनस माइनस गया, एच से एच गया तो बी बाई के इक्वल टू वन, प्रूव्ड। तो भी सारा लिखा, ठीक है, ए बाई एच प्लस बी बाई के, ए बाई एच प्लस बी बाई के इक्वल टू वन, ठीक है फाइन। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे ऑफ द एक्सरसाइज। कंसिडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ एंड द स्लोप ऑफ लाइन ए बी एंड यूजिंग इट व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर। देखो ये स्लोप एंड एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम का कॉन्सेप्ट किसी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में यूज किया जा सकता है। जैसे किसने क्या कहा, यहाँ पे क्या एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दी हुई है कि यहाँ पे तो ईयर्स हैं 1985, 1990, 1995, 2000, 2005 एंड 2010, और यहाँ पे जनसंख्या दैट मीन्स पॉपुलेशन है। जैसे कि जैसे ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1985, 92, इसका मतलब है 1985 में 92 करोड़, ये क्योंकि पॉपुलेशन करोड़्स में, 1985 में इंडिया की पॉपुलेशन 92 करोड़ थी, है ना। और फिर बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट से मैच करें तो 1995 में वो कितनी हो गई, 97 करोड़ हो गई, 5 करोड़ बढ़ गई। इस तरीके से ये ग्राफ चल रहा है और बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो इस तरह से ये इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, है ना। तो अब आपसे क्या पूछा है, इन दो कोऑर्डिनेट से मिलने वाला स्लोप बनाओ, तो स्लोप तो इजीली बता दोगे आप, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। और स्लोप बताने के बाद व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2000। ऐसे ही अगर चलता रहा इसी स्लोप के हिसाब से, मतलब यही ढलान चलती रही इस लाइन की, तो 2010 में वो पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, यानी कि इस लाइन को आगे इंटरसेक्ट करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, या एक्चुअली ये फिगर कितना है हिसाब से पूछेगी, ठीक है ना। चलो तो पहला क्वेश्चन है कि स्लोप निकालो, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन ए बी। स्लोप तो बड़ा ही आसानी से निकाल लाएंगे हम, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ठीक है, फॉर्मूला है वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स, दो पॉइंट से पास हो रही है ए और बी, तो लेट से ये तो हो जाएगा मैंने मेरा एक्स वन वाई वन, एक्स वन कॉमा वाई वन, ये हो जाएगा मेरा एक्स टू कॉमा वाई टू, एंड द फॉर्मूला इज वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो वाई टू क्या है, वाई टू वाई टू वाई टू 97, वन सेकेंड, ओके आओ वापस। तो वाई टू माइनस वाई वन, तो वाई टू माइनस वाई वन यानी कि 97 माइनस 92, अब करोड़ है तो इधर भी करोड़ होगा, इधर भी करोड़ होगा ना, दोस्तों दिक्कत वाली बात है ही नहीं। और इधर क्या है, 95 माइनस 85, 1995 एक्स टू माइनस 1985, 10 साल का अंतराल है ना, तो 97 माइनस 92 यानी 5, और वो करोड़ है याद रखना ना, 5 करोड़ से वो डिवाइडेड बाय ये 10 साल, तो स्लोप क्या आ गया आपका 1/2, ठीक है, स्लोप इज योर 1/2, पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, ओके। अब यूनिट मायने नहीं रखती, देखो करोड़ों में, तो फिर आप वो करोड़ को एलिमिनेट कर दोगे, इट इज एक्चुअली स्लोप इज एक्चुअली 1/2, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन था कि 2010 में कितनी होगी, तो लेट्स से कि ये लाइन आगे जब जाएगी है ना, तो यहाँ पे कहीं टकराएगी 2010 से, तो लेट्स से कि उसका वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट तो मुझे पता है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो लेट्स से मुझे पता है क्या है, 2010 है, लेकिन इसका वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, तो उसको वाई ले लेता हूँ मैं, है ना। तो अगेन अब आपको पास स्लोप आ गया ना, तो अगेन अब आप बी सी, लेट्स से कि ये पॉइंट सी है, तो अगेन आप अब आप क्या करें, बी सी का स्लोप निकालें, और बी सी का स्लोप और ए बी का स्लोप जो आपने ऑलरेडी निकाल रखा है 1/2, उसको बी सी के स्लोप के बराबर कर दें, तो वहां से आंसर आ जाएगा ना। तो ये तो था स्लोप ऑफ लाइन ए बी, है ना, अब मैं निकाल रहा हूँ स्लोप ऑफ लाइन बी सी, स्लोप ऑफ लाइन बी सी, क्योंकि अगर ये तीन कोलिनियर है, वही सेम कोलिनियर वाला पॉइंट, अगर ये तीन पॉइंट कोलिनियर है ए बी एंड सी, तो ए बी एंड बी सी का स्लोप बराबर होगा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन बी सी देखो, वाई माइनस 97 डिवाइडेड बाय 2010 माइनस 1995, तो फाइनली इट इज वाई माइनस 97 डिवाइडेड बाय 2010, 15 साल का फर्क है, तो वाई माइनस 97 डिवाइडेड बाय 15। अब ये स्लोप और ये स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वेट हो जाएगा, क्योंकि दोनों का स्लोप बराबर है ना, ठीक है। लेट्स से कि ये तो है स्लोप ऑफ लाइन बी सी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, लेट्स से कि ये तो है एम टू और ये है मेरा एम वन, तो नाउ एम वन इक्वल टू एम टू बिकॉज ए बी सी आर कोलिनियर, देखो सिंस ए
बी एंड सी आर कोलिनियर, आर कोलिनियर. सो एम वन शुड बी इक्वल टू एम टू. तो एम वन आ रहा है मेरा वाई माइनस 97/15 इक्वल टू वाई टू आ रहा है मेरा 1/2. क्रॉस मल्टीप्लाई करते वाई आ जाएगा. तो 2y-2 समझे 14 रिमाइंडर 1 2 9 18 1 19 1 94 ठीक है इक्वल टू 15 बन जा 15. तो 2y की वैल्यू आ जाती है 194+15 विच विल बी इक्वल टू 5 और 4 9 209. सो y की वैल्यू हो जाती है 209/2 दैट मीन्स 104.5 करोड़. देखो स्लोप में अपन करोड़ वरोड़ नहीं डालेंगे लेकिन ये वाई एक्चुअली पॉपुलेशन है ना. तो पॉपुलेशन हैंस पॉपुलेशन इन 2010 विल बी हैंस पॉपुलेशन इन 2010 विल बी 104.5 करोड़. दिस इज द फाइनल आंसर. ठीक है हमने भी अंदाजा यही लगाया था. देखो ये पॉइंट लगभग लगभग यहाँ के मिल रहा था तो अंदाजा तो सही लगाया था. देखो ध्यान से पर एग्जैक्ट पता नहीं था. ये पॉइंट जो है वाई कोऑर्डिनेट इसका 102 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा था लेकिन एक्चुअल मुझे पता नहीं था. तो अब एक्चुअल आ गया 104.5 करोड़. ठीक है तो पिछले दो क्वेश्चन तो चलो आपके प्रूफ क्वेश्चन है लेकिन इसमें आपको आंसर चाहिए एंड आंसर की मेरे पास अभी है नहीं खुली हुई. तो आप मैच कर लेना टू चेक वेदर द आंसर इज करेक्ट और नॉट. एंड इफ यू फील एनी मिस मैच तो प्लीज लेट मी नो. अगर मिसमैच है तो फिर देखेंगे ना. 194 एक बार देख लो मोटा मोटा 99 2 जिन्हें सही किया वैसे तो. बट फिर भी अगर मिसमैच है तो यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स और मीट मी पर्सनली और कुल मिला के डिस्कस कर लेना अगर मिसमैच है तो. चलिए तो ये आपकी 10.1 यहाँ पे खत्म होती है. स्ट्रेट लाइन्स का इंट्रोडक्शन खत्म होता है विथ रेफरेंस टू स्लोप ऑफ ए लाइन. अब अगला टॉपिक है वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन यानी कि स्लोप ऑफ लाइन के बाद सेकेंड टॉपिक आता है. अभी अपन स्लोप ऑफ लाइन जो है पढ़ के आए हैं. करीब करीब सारे क्वेश्चन स्लोप ऑफ लाइन से हुए प्लस प्रीवियस क्लास का थोड़ा बहुत रिवीजन था ना. और स्लोप के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इक्वेशन. क्योंकि इक्वेशन भी हम स्लोप की मदद से बनाएंगे इसलिए पहले स्लोप पढ़ना जरूरी था. तो और इक्वेशन भी लाइन की दो तीन तरीकों से फॉर्म से बनाई जाती है. तो वेरियस फॉर्म्स लिखा हुआ है ये अपन कल से स्टार्ट करें यानी टुमारो वी विल स्टार्ट 10.2 इंट्रोडक्शन कल स्टार्ट करें. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस. हैव अ नाइस डे. कीप लर्निंग एंड बाय.